नंबर 9 द नॉर्थन लाइट। एक अविस्मरणीय प्राकृतिक घटना, सौर गतिविधि होने पर ध्रुवी रोशनी और उसके मनोरम रंग, आकार और जुल्फनुमा दिखाई देता है, जिसे देखने का सबसे अच्छा मौका सर्दियों में होगा। जब रातें लंबी होंगी, आप जितना शहर से दूर जाएंगे उतना बेहतर नज़ारा होगा। ऐसी जगह जहां प्रकाश ना हो, वहां से ऐसा नज़ारा बेहद आरामदायक होता है। नंबर 8 ग्रेट बैरियर रीफ। सतह की सबसे कोरल रीफ सिस्टम 1400 माइल से ज़्यादा एरिया अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। स्नार्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव लेने का अच्छा तरीका है। नंबर 7 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अर्थ का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे हवा वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की औसत ऊंचाई का उच्चतम हिस्सा है। हालांकि यहां का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। टेक्निकली यह बहुत कम वर्षा वाला रेगिस्तान है। अंटार्कटिका समुद्र से 2 माइल ऊपर है और क्योंकि अंटार्कटिका महासागर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को कवर करता है, जो आइस पैक के माध्यम से महासागर की सापेक्ष गर्मी को स्थानांतरित करता है। नंबर 6 माउंट ब्रोमो। माउंट ब्रोमो पूर्वी जावा में एक सक्रिय ज्वालामुखी और टेंगर मासिफ का हिस्सा है। 2329 मासिफ पर यह मासिफ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जावा में सबसे अधिक देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेस में से एक है। ज्वालामुखी का शीर्ष उड़ा दिया गया है और अंदर गड्ढे से सफ़ेद धुआं लगातार निकलता है। ज्वालामुखी रेत के सागर से घिरा हुआ स्थिर रूप से स्पष्ट है। नंबर 5 विक्टोरिया फॉल। अगर आपको लगता है कि नियाग्रा फॉल्स पड़ा है, तो विक्टोरिया फॉल्स का विशाल पानी का क्षेत्र उसे पौना बना देगा, जो 1708 मीटर तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 108 मीटर। यही महाकाव्य का अनुपात है जो विक्टोरिया जलप्रपात को दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है। नंबर 4 ग्रैंड कैनियन। दुनिया भर में प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन को किसी परिचय की जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी घाटी में से एक, वास्तव में उचित रूप से सराहना के लिए देखा जाना चाहिए। यह हमेशा प्रकाश और छाया की एक विशाल मूर्ति है, जो एक भयानक परिदृश्य में अपना रास्ता बनाती है। इसे घेरने वाले राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पगडंडियों और नज़ारों की एक पूरी मेजबानी है। उत्तरी रिम पर केप रॉयल ग्रैंड कैनियन के कई प्रमुख हिस्सों का शीर्ष दृश्य है। नंबर 3 हा लॉन्ग बे। उत्तर पूर्वी वियतनाम में स्थित हा लॉन्ग बे एक काल्पनिक कहानी के दृश्य जैसा दिखाई देता है, जिनमें विभिन्न आकृतियों और आकारों के हजारों चूना पत्थर कराश्ट द्वीप है। हा लॉन्ग का अर्थ है अरोही ड्रैगन, जो चूना पत्थर के सिलहट का संकेत है जो पानी के बाहर निकलता है। कुछ द्वीपों में झील है जबकि कुछ खोखली है, जिनमें रंगीन परियों का देश है। रात भर की नाव यात्रा, खाड़ी की सुंदरता का अनुभव और अधिक से अधिक द्वीपों को देखने का एक बेहतर तरीका है। नंबर 2 अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यदि आप इतनी ऊंचाई तक गिनने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहे, तो आप अमेज़न वर्षावन में 390 अरब पेड़ों की गिनती कर सकते हैं। यह आंकड़ा मनमौजी है निश्चित रूप से,
लेकिन फिर अमेज़न प्रकृति का एक अद्भुत टुकड़ा है जो अमेज़न नदी के बेसिन एरिया को लगभग कवर करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। निश्चित रूप से वर्षावन अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ है। नंबर वन, सेरेंगेटी माइग्रेशन। सेरेंगेटी इकोसिस्टम उत्तर पश्चिमी तंजानिया में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी केन्या तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र ग्रह पर भूमि स्तनधारियों के सबसे बड़े जन आंदोलन की मेजबानी करता है और जानवरों के साम्राज्य की सबसे लुभावनी घटनाओं में से एक है। हर साल 1 मिलियन वन्य जीव और 1 लाख जेब्रा तंजानिया दक्षिणी सेरेंगेटी से केन्या में मसाई पारा राष्ट्रीय रिजर्व उत्तरी किनारे तक 300 मील की यात्रा करते हैं। ग्रेट माइग्रेशन शायद अफ्रीका का सबसे बड़ा सफारी तमाशा है और दुनिया का सबसे बड़ा असाधारण प्राकृतिक आश्चर्य है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।